आइए बात करते हैं रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र की, जहां अवैध नशा कारोबारी दिनेश साकेत उर्फ ददोल साकेत, पिता रघुनाथ साकेत, उम्र 45 वर्ष, निवासी बहेरी नानकर थाना मऊगंज जिला रीवा के द्वारा काफी समय से नशे के कारोबार में संलिप्त होने एवं थाना मऊगंज थाना लौर के कई प्रकरणों में फरार था, जो कि जिले भर की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। इस पर पुलिस के ऊपर हमले का आरोप है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन और मऊगंज ASP BK लाल के द्वारा आरोपी ददोल साकेत की गिरफ्तारी हेतु अलग अलग प्रकरणों में 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आरोपी के विरुद्ध थाना मऊगंज, नईगढ़ी एवं लौर के कई अपराध पंजीबद्ध हैं। SDOP मऊगंज नवीन दुबे ने आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी मऊगंज श्वेता मौर्य एवं थाना प्रभारी लौर KP त्रिपाठी के नेतृत्व में दो अलग अलग टीमों को गठन किया है, जो कि लगातार आरोपी की पातासाजी में जुटी रही। मुखबिर की सूचना पर आरोपी दिनेश उर्फ दलोल साकेत अपने घर में रखे दुकान में अवैध कोरेक्स बिक्री कर रहा है, जो गठित टीम के आरोपी की दुकान में दबिश दी गई, जो आरोपी पुलिस को देख भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। आरोपी के दुकान की तलाश में एक हरे सफेद रंग की बोरी में 100 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप कीमत 15,000 रुपए एवं एक सफेद कलर के झोले में 40 शीशी एस कफ सिरप कीमत 5,610 रुपए मिला। तो वही आरोपी ने अरुण चतुर्वेदी के द्वारा अवैध नशीली कफ सिरप बेचने को देना बताया है, जो कि अरुण चतुर्वेदी पिता यज्ञ शरण चतुर्वेदी निवासी बरहेरी चौबान थाना लौर जिला रीवा फरार है। मऊगंज थाने में आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट में 5-13 औषधि अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं गिरफ्तारी शुदा आरोप दिनेश उर्फ दलोल साकेत को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी लौर निरीक्षक KP त्रिपाठी उनकी टीम की अहम भूमिका रही। रीवा पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल SP मऊगंज के मार्गदर्शन में कल एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम में मैं, थाना प्रभारी लौर, थाना प्रभारी मऊगंज की टीम गठित की गई और इस क्षेत्र के लंबे समय से फरार चल रहे सातिर अपराधी दिनेश उर्फ दलोल साकेत को कल हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो लगभग 25,000 का इनामी है और इसके द्वारा पूरे क्षेत्र में लंबे समय से नशीली कफ सिरप का व्यापार किया जा रहा है, तस्करी की जा रही है। इसके लिए लंबे समय से कई बार पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन इसका बड़ा नेटवर्क इसीलिए मौके से फरार हो जाता था। इसीलिए हमने एक नई रणनीति बना के इसको घेराबंदी किया और घेराबंदी करते समय ये अपने घर से भागने का इसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन हमारे स्टाफ के द्वारा इसको खेत में दौड़ा के पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में विधिवत इसके घर की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान में वहां से हमें कुल 140 सीसी कोरेक्स दो अलग अलग कंपनियों की प्राप्त हुई, जिसकी विधिवत जब्ती की गई और इसके बाद में आगे कार्रवाई करते हुए इसमें थाना मऊगंज में 551/22 8/21/22 NDPS एक्ट 5/13 औषधि नियम अधिनियम के तहत में कार्रवाई की गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक रीवा के द्वारा पूरी टीम को प्रशंसा दी गई है और साथ में भविष्य में उचित इनाम दिए जाने का भी आश्वासन दिया गया है। साथ में इसमें SP साहब ने मुखबिर, जो कि इसमें लगातार सहयोग कर रहे थे, उनको भी प्रशंसा देने का घोषणा की गई है उनके द्वारा।